अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है, चैप्टर 11 रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रॉब्लम 50 चल रहा है। रोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया दे दिया गया है वो सेंट्रल एक्सिस पे। फिर वो कहता है मोटर से हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं स्पेस प्रोब। अब वो कहता है मोटर को एक्सिस को माउंट किया जाता है सेंट्रल एक्सिस विद द प्रोब। अब प्रोब का भी रोटेशनल इनर्शिया दे दिया गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द रूटर रिक्वायर्ड टू टर्न द प्रोब 30 डिग्री ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, कि मोटर कितनी चक्कर काटेगी कि प्रोब 30 डिग्री पे टर्न कर जाए। अब हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर हम यहाँ पे इस दोनों जगह पे एक एंड पे मोटर ले लें, एक एंड पे प्रोब का एंगुलर मोमेंटम ले लें और टाइम के लिहाज से इंटीग्रल कर लें, तो अब आप जानते हैं ओमेगा डी टी यहाँ से ओमेगा डी टी थीटा के बराबर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, तो आई एम थीटा एम बराबर आ जाएगा आई पी थीटा पी। ये मोटर के लिए, ये प्रोब के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा एम चाहिए। तो थीटा एम एक तरफ कर लेंगे, आई पी ओवर आई एम थीटा पी, सारी वैल्यूज पता है, प्रोब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोब का एंगल, तो ये 18 तकरीबन 18000 डिग्री आ जाएगा। अगर हम इसे रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेवोल्यूशन में 360 होता है, तो तकरीबन 500 रेवोल्यूशन में आप कह सकते हैं 500 चक्कर, नंबर पूछे थे ना उसने हमसे, तो 500 चक्कर काटेगा तो 30 डिग्री की रेवोल्यूशन टर्न ले लेगा प्रोब। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, पक्का इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।